गुरु पुष्य योग अत्यंत शुभ योग है। गुरु पुष्य योग आपको मालामाल कर सकता है अगर आप ये चीज़ें खरीदेंगे गुरु पुष्य योग के अंतर्गत। 24 अक्टूबर 2024 को महान दिन है। इस दिन आपकी मन की मुराद पूरी हो जाएगी अगर आप ये चीज़ें खरीद के लाते हैं तो। आपको बहुत सारा मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी और बरकत के साथ साथ आपको पैसा बहुत तायद से मिलेगा। यानी जो पैसे आप खर्च कर रहे हैं वो 3-4 गुने होके आपको वापस मिलेंगे। ऐसा प्रताप होता है गुरु पुष्य नक्षत्र का। ये बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है और इसको खरीदारी के लिए विशेष शुभ माना गया है। और दिवाली से पहले आने वाला गुरु पुष्य योग का वर्ष भर इंतजार करते हैं लोग। तो क्या ऐसी चीज़ है जो आपको गुरु पुष्य योग के दिन खरीदनी चाहिए, जो है 24 अक्टूबर 2024 के दिन आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, गुरु पुष्य योग आने वाला है और गुरु पुष्य योग के दिन आपको कुछ चीज़ें खरीद के लानी चाहिए। आप डेकोरेशन के आइटम तो दिवाली के अवसर पर खरीदते ही हैं, लेकिन ये चीज़ खरीदने से आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा मिलता है। जितना खर्चा आपने उस चीज़ को लेने में लिया है, बाय करने में लिया है, उससे 8-10 गुना ज़्यादा पैसा वो आपको देती है। तो आपको गुरु पुष्य योग के दिन जेवर की खरीदारी करनी चाहिए, प्रॉपर्टी की खरीदारी करनी चाहिए, बही खाती की खरीदारी करनी चाहिए, नया बर्तन भी आप खरीद सकते हैं। अगर धनतेरस पे नहीं खरीदना चाहते गुरु पुष्य योग में, बर्तन भी खरीद सकते हैं। और धनतेरस पे तो बर्तन खरीदने का रिवाज है ही। धनतेरस पे हमने अनेक वीडियो बनाई है, उनको वॉच करिए। अभी बात हो रही है गुरु पुष्य नक्षत्र की, जो है 24 अक्टूबर का। तो आपको इस दिन दक्षिणावर्ती शंख अवश्य खरीद के लाना चाहिए। ये बहुत शुभ होता है और इसको घर में स्थान अवश्य देना चाहिए। अगर आपके घर में नहीं है तब लाना। कुबेर भगवान लाएं इस दिन गुरु पुष्य योग में खरीद कर, और उलूक वाहन भी पारत के खरीद के लाएं। कुबेर भगवान भी पारत के खरीद के लाएं तो आपको अनंत गुना शुभ फल की प्राप्ति होती है और आपके घर में पैसों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। वैसे तो आप जानते ही होंगे गुणी जन है, लेकिन गुरुवार को अगर पुष्य नक्षत्र होता है उसको गुरु पुष्य नक्षत्र कहा जाता है। ये कई बार बनता है वर्ष में, लेकिन दिवाली से पूर्व बनने वाला अत्यंत शुभ होता है। सभी शुभ होते हैं, लेकिन दिवाली से शुभ बनने वाले कोई भी योग होते हैं अत्यंत शुभ फल आपको देते हैं। ये फक्कड़ से फक्कड़ व्यक्ति को ये चीज़ खरीदने से पैसों का महल खड़ा हो जाता है और वो माला माल बन जाता है। अगर आप कुछ भी नहीं खरीद सकें तो काली हल्दी और पीली हल्दी इस दिन अवश्य खरीद के लाएं, और साबुत धनिया खरीद के लाएं तो आपको अत्यंत फल मिलता है शुभ। तो आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगी नए टॉपिक को लेकर नई वीडियो के साथ में। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री, आपके रियल हितैषी। आपको ऐसे वीडियो देते हैं टाइम टू टाइम जो आपको फ़ायदा पहुंचाती है। हमारा मकसद है सभी को लाभ पहुंचाना। हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका भला करने का प्रयास कर रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी पर आधारित चैनल है। हम एस्ट्रोलॉजर हैं और 25 साल से परामर्श दे रहे हैं एस्ट्रोलॉजी पर, वास्तु पर और पाम रीडिंग पर। इन तीनों से संबंधित सेवाएँ लेने के लिए अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आपको 3100 रुपये जमा कराने पड़ते हैं ईच। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाते हैं तो 300 रुपये अदा करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं। कहाँ 3100 रुपये और कहाँ 300 रुपये, तो आप खुद ही समझदार हैं, सोच सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, डेट मेंशन करनी है और अपने आप कुछ प्रूफ भेजें कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, कर लिया है। हमारे लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।